हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रक्सर। इस वीडियो में मैं आपको 5 अक्टूबर 2021 को 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, अमेजॉन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ। इसका करेक्ट आंसर आएगा नो डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फाउंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ डैश टाइप। सो इसका आंसर क्या आता है, इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ मॉनसून टाइप। थर्ड क्वेश्चन, इन द सॉम्पी एरियाज ऑफ द पंतनाल डैश आर फाउंड। सो इसका आंसर क्या आएगा, अनाकॉन्डास। उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अबाउट डैश किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 7500 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें से ऑड फाइंड करना है। सो एसेंशियल मटेरियल फॉर फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के लिए क्या क्या एसेंशियल मटेरियल है, नोटबुक एसेंशियल रहता है, कैमरा एसेंशियल रहता है, मैप एसेंशियल रहता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ये एसेंशियल नहीं रहता है, तो इस वजह से ये ऑड आएगा। एंड देन इंडियन ट्री, इंडियन ट्री में देवदार आता है, अनजान आता है, बनियान आता है, बट ऑर्चिड ये नहीं आता इंडियन ट्री में, तो इस वजह से ये ऑड आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एसेंशियल फैक्टर्स फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए प्लेन रीजन रहना चाहिए, सूटेबल क्लाइमेट रहना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी रहना चाहिए, लेकिन डेजर्ट एरिया नहीं, तो इस वजह से ये जो डेजर्ट एरिया है ये क्या है, ये ऑड वन आउट है यहाँ पर। उसके बाद कैश क्रॉप्स ऑफ ब्राज़ील। सो कैश क्रॉप में कॉफ़ी आता है, सोयाबीन आता है एंड रबर आता है। कॉर्न ये ब्राज़ील के कैश क्रॉप में इंक्लूड नहीं होता है, तो इस वजह से ये जो कॉर्न है ये यहाँ पे ऑड वन आउट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। आपको बताना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, जस्ट इतना ही बताना है, आपको कुछ करेक्ट नहीं करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्राज़ील डजेंट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है, तो इस वजह से ये रॉन्ग है। सेकंड, इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये राइट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो कश्मीर की साइड जो हिली एरिया है वहाँ पर देखिए पॉपुलेशन कम है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की साइड आएंगे जहाँ पे प्लेन रीजन्स है तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट राइट है। थर्ड, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन इन ब्राज़ील हैज़ बूस्टेड टूरिज्म। ये स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, इस चीज़ को याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डजंट पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये रॉन्ग है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया के मिडल से पास नहीं होता है, जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इस चीज़ को याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सिंधु इज़ द रिवर सतलज। ये भी राइट स्टेटमेंट है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4A, मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील एंड गिव इंडेक्स। आपको जो भी ब्राज़ील का मैप दिया गया है उसके अंदर आपको क्या करना है, ये ओवरऑल 6 पॉइंट्स को मार्क करना है। 6 में से एनी 4 को आपको मार्क करना रहेगा 4 मार्क्स के लिए, 6 पॉइंट दिया हुआ है। पहला क्या है, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो अगर मैप में हम लोग आएंगे तो कैपिटल ऑफ ब्राज़ील क्या है, सबसे पहले कैपिटल ऑफ ब्राज़ील है ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ीलिया मैप में यहाँ पर कहीं आता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हूँ ब्राज़ील के कैपिटल को। इसका इंडेक्स भी यहाँ पे आपको बनाना है, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, उसका देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हूँ। सेकेंड, अमापा स्टेट। अमापा स्टेट कहाँ पे रहता है, अमापा स्टेट ब्राज़ील के यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए, तो देखिए इसको मैंने मार्क करके रखा हूँ यहाँ पे, उसका इंडेक्स। थर्ड क्या है, पिको डी नेब्लिना। पिको डी नेब्लिना जो ब्राज़ील की हाईएस्ट पीक है, देखिए वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसका इंडेक्स। उसके बाद ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, और उसका इंडेक्स। उसके बाद पराना रिवर। पराना रिवर कहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में, ये जो लाइन मैंने बनाया हूँ ग्रीन कलर में, ये है पराना रिवर, और इसका इंडेक्स। उसके बाद लास्ट क्या है, ब्राज़ील्स मोस्ट पॉपुलस स्टेट। तो इसका आंसर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील्स मोस्ट पॉपुलस स्टेट इज साओ पाउलो। और साओ पाउलो कहाँ पे है, साओ पाउलो एग्जैक्टली यहाँ पर पराना रिवर के आसपास, तो ये है साओ पाउलो और इसका इंडेक्स। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये मैप गिवन है और इसके बेस पे टोटल 5 क्वेश्चंस है। 5 में से आपको क्या करना है, 5 में से आपको एनी 4 का आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्जिट्यूड क्या है, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में क्लियरली देखिए, जो मैप वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, जस्ट मैप को आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्जिट्यूड क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो उस चीज़ को आपको लिखना होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़ द लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब आपको मैप को ध्यान से देखना है कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा। साउथर्न मोस्ट पॉइंट मतलब सबसे नीचे वाला। अगर कोई इसको ध्यान से नहीं दिखेगा तो क्या करेगा, वो कन्याकुमारी को साउथर्न मोस्ट पॉइंट मार्क कर देगा। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड भी काउंट होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पे एकदम लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो देखिए आप बताइए कन्याकुमारी नीचे है या इंदिरा पॉइंट सबसे ज़्यादा नीचे है। तो करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट सबसे ज़्यादा नीचे है, सबसे ज़्यादा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा इंदिरा पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब उसके बाद विच कंट्री इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री प्रेजेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री प्रेजेंट है, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा श्रीलंका। उसके बाद विच मेन पैरेलल पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। इंडिया के मिडल से कौन सा मेन पैरेलल पास होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला पैरेलल ये इंडिया के मिडल से पास होता है। तो इसका आंसर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए मेन पैरेलल का मतलब क्या होता है। नॉर्मली अगर हम लोग ग्लोब देखें तो ग्लोब में 3 मेन पैरेलल है। एक को कहते हैं हम इक्वेटर, एक को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एक रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा मेन पैरेलल इंडिया के मिडल से पास होता है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया के मिडल से पास हो रहा है। फिफ्थ क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस कितना है। आप लोग देख सकते हैं मैप में सारी चीज़ें प्रेजेंट है 3200 किलोमीटर। और अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस देखें तो ये है 3000 किलोमीटर। बट क्वेश्चन के अंदर नॉर्थ टू साउथ पूछा है तो 3200 किलोमीटर आंसर आएगा। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है 3200 किलोमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव जोग्राफिकल रीजन्स एनी टू। फर्स्ट है द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसका कंप्लीट आप जोग्राफिकल रीजन देख सकते हैं, ये इसका जोग्राफिकल रीजन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। सो इसका भी कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द रिवर्स फ्लोइंग आउट ऑफ द हिमालयाज आर फ्लडेड थ्रू आउट द ईयर। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो हिमालय से निकलने वाले रिवर रहते हैं उसमें हमेशा पानी रहता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए बारिश के मौसम में तो बारिश की वजह से ही उसमें पानी रहेगा, और जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी में क्या होता है, हिमालय की जो बर्फ़ रहती है वो पिघलती है, उसकी वजह से रिवर में पानी आ जाता है। तो यही सिंपल सा यहाँ पर 3 पॉइंट्स में उसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ब्राज़ील अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल टूरिस्ट। सो इसका भी जोग्राफिकल रीज़न आप लोग देख सकते हैं कि ब्राज़ील इंटरनेशनल टूरिस्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है। तो उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं जोग्राफिकल रीज़न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेटा गिवन है इसका यूज़ करके आपको एक बार ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका बार ग्राफ। सबसे पहले तो देखिए ये इसका बार ग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 एंड 2010 जो यहाँ पर गिवन था। एंड देन उसका करेस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन क्या 47.1। सो 1960 के लिए देखिए 47.1 तक का ये बार बना हुआ है। उसके बाद फिर 1970 के लिए 56.8 तक का बना हुआ है। इसी तरह सारे डिकेड्स के लिए ये बना है बार ग्राफ। अब उसके बाद क्वेश्चन में और क्या बोला है कि ये बार ग्राफ 3 मार्क्स के लिए ड्रॉ करना है। उसके बाद 3 मार्क्स के 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन टोटल 3 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द डेटा। अगर आप देखेंगे तो डेटा का इंटरवल क्या है, 1960 से 1970, 1970 से 1980, मतलब इंटरवल मतलब डिफरेंस। सो डिफरेंस कितना है 10 ईयर्स का। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा इंटरवल ऑफ डेटा इज 10 ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन है, विच डिकेड शोज स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोनों डिकेड का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। मतलब 1960 एंड 1970 का डिफरेंस कैलकुलेट करो, 1970 98 का डिफरेंस कैलकुलेट करो, 1980 1990 का डिफरेंस कैलकुलेट करो, एंड देन इसी तरह आपको सबका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब हम लोग ने ये दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 1960 एंड 1970, तो इसका डिफरेंस कितना है 9.7% का डिफरेंस है। उसके बाद 1970 1980 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिफरेंस है 9.2, 1980 एंड 1990 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिफरेंस है 8.6, 1990 एंड 2000 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिफरेंस है 6.9%, और 2000 एंड 2010 का डिफरेंस अगर आप ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.1। तो देखिए स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ पर है, स्लो सबसे कम यहाँ पर है, मतलब 2000 से लेकर 2010 के बीच में स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ। तो इसका आंसर आएगा 2000 टू 2010 शो स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन था जैसा आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन द डिकेड 1970 टू 1980, मतलब 1970 से लेकर 1980 तक कितना अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है। तो 1970 से लेकर 1980 तक आप लोग देख सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस का आंसर आता है 9.2। सो 9.2% ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड, इसका आंसर आएगा 9.2% ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज इन द डिकेड 1970 टू 1980। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। देखिए ग्राफ गिवन है, ग्राफ के बेस पे टोटल 1 मार्क्स के लिए 1 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1960 में है वो 41 ईयर है, उसी तरह अगर ब्राज़ील में देखेंगे तो 1960 में 54 है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हर बार ब्राज़ील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो इसका आंसर आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ मोर इन ब्राज़ील। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया बिटवीन 1919 एंड 2010। मतलब ये जो इंडिया का है यहाँ पर आपको क्या करना है, 1990 से 2010 तक का डेटा देखना है। तो ये हो गया 1990 मतलब 58, उसके बाद 2010 मतलब 67। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 58 और 67 टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ है, 9 इयर्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका आंसर आएगा 9 इयर्स। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ इंक्रीज बाय 9 इयर्स ड्यूरिंग 1990 एंड 2010। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राज़ील बिटवीन 1990 एंड 2016। तो देखिए ब्राज़ील का 1990 एंड 2016, 1990 में है 65, 2016 में है 75, कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 इयर्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा 10 इयर्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील इन 2000। मतलब ईयर 2000 के अंदर ब्राज़ील और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या डिफरेंस था। तो देखिए ये है इंडिया का 2000 का और ये है ब्राज़ील का 2000 का। तो डिफरेंस कितना है, इंडिया का 63 है, ब्राज़ील का 70 है, मतलब 7 इयर्स का डिफरेंस है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा 7 इयर्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ हाई प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल। तो इसका आंसर आएगा ब्राज़ील। क्यों, क्योंकि देखिए ब्राज़ील में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर जीते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो एल्डरली पीपल का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहेगा, एल्डरली पीपल का पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा रहेगा। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्राज़ील। सो ब्राज़ील हैज़ हाई प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, इन विच ईयर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राज़ील इज़ इक्वल टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन 1980। आपको बताना है कि इंडिया की 1980 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ब्राज़ील के कौन से ईयर में थी। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि इंडिया की 1980s में क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो इंडिया की 1980s में देखिए 54 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब आपको देखना है कि ब्राज़ील के कौन से ईयर में 54 है। तो ब्राज़ील का मैप देखेंगे तो देखिए ब्राज़ील के ईयर 1960 के अंदर 54 लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो इसका आपको ईयर कैलकुलेट करना था, ब्राज़ील का कौन से ईयर में इंडिया के 1980s के इक्वल था। तो 1980s के इक्वल में कौन सा ईयर है ब्राज़ील का, 1960। तो इसका आंसर आएगा 1960। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आंसर इन डिटेल। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फील्ड विजिट, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर फील्ड विजिट। तो इसका कंप्लीट आंसर देख सकते हैं, फील्ड विजिट क्या है और कौन सा आइटम आपको साथ ले जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड द इंडियन ओशियन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो इसका भी कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये कंप्लीट आंसर है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील एंड इंडिया। सो ये भी इसका कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। आपको मैंने जो सॉल्यूशन दिखाया इस सॉल्यूशन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ वाई लर्न ऐप में ओपन होगा। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जस्ट आप वो लिंक पर क्लिक कर दें एंड सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।